नमस्कार, मैं सुनीता अपने चना ईजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल आसान तरीके से फटाफट बनने वाला नाश्ता, जिसे आप सुबह के टाइम फटाफट अपने बच्चों को नाश्ते में दे सकते हैं, बड़ों को नाश्ते में दे सकते हैं या उनके लंच में भी डाल सकते हैं। यह है गार्लिक चिली पराठा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। गार्लिक पराठा बनाने के लिए हमने 1 कप गेहूँ का आटा लिया है, 1 कप ही हमने मैदा लिया है। आप चाहे तो खाली मैदा या खाली गेहूँ के आटे का भी इसे बना सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बना लेंगे। इस तरह से विस्कर की सहायता से इसके सारे लम्स हम पहले ख़त्म कर लेंगे। हमने 1 कप पानी और लिया, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये हमने बैटर तैयार कर लिया है। इतना बैटर बनाने में हमने यहाँ 2 कप पानी लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, अब गार्लिक पराठा है तो हमने ये गार्लिक लिए, हमने ज़्यादा नहीं लिए, ये 6 से 7 गार्लिक है, इतने ही आपको लेने हैं। अब हम 1 कद्दूकस लेंगे और अपने गार्लिक को डायरेक्ट अपने बैटर में इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ हमने सभी गार्लिक को लहसुन को कद्दूकस कर लिया है। अब डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स इसमें डालेंगे, हरा धनिया, हमने 1 बड़ा चम्मच, 1 टीस्पून बटर को मेल्ट करके लिया है, उसको भी डायरेक्ट इसमें डाल देंगे हम। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। ये हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको ढककर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे, जिससे कि जो आटा है हमारा थोड़ा सा फूल जाए। यह हमारे बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो गए, हम अपना बैटर चेक कर लेते हैं। हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका बैटर थोड़ा गाढ़ा सा हो तो उसमें पानी और डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं पराठे बनाने की तरफ। पराठा बनाने के लिए हमने तवे को गर्म कर लिया है। हमें तवा गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी कर देंगे। अब हम हल्का सा इसमें ऑयल लगा देंगे। अब अपने बैटर को लेंगे, एक बार ही चला लेंगे और इसको हम फैला लेंगे, जिस तरह से हम डोसे वगैरह को फैलाते हैं। पर हमें इसको ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है। अब हम इसको सिकने देंगे। हमने धीमी आंच पे ही अपने पराठे को सिका, ऊपर से देखो ये बिल्कुल ड्राई ड्राई हो गया। हम इसको पलट लेते हैं, ये आसानी से पलट जाएगा। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हम अपने पराठे को पकाएंगे। इस तरह से हल्का हल्का साइडों से हम प्रेस कर देंगे, जिससे कि किनारे भी अच्छे से सिक जाए। हम अपने पराठे को पलट लेते हैं। इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कर लेते हैं, जिससे कि नीचे से अच्छे से सिक जाए। अब हम अपने पराठे में तेल या घी कुछ भी लगा लो, चाहे आप बटर भी लगा सकते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं। और इसको पलट लेते हैं। दूसरी तरफ से भी घी या बटर लगा लेते हैं।
उसको हल्का हल्का सा साइडों से प्रेस कर लेते हैं। इस तरह से प्रेस करते हुए पलटते जाएंगे और अच्छे से अपने पराठे को सेक लेंगे। ये हमारा पराठा बनकर रेडी हो गया। आप देख सकते कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और गैस को मंदी कर देंगे। कितना सॉफ्ट बना है हमारा पराठा, ये देखो कितना अच्छा बना है। इसी तरह से हम आपको दूसरा भी बना के दिखाते हैं। इसकी फ्लेम हमने धीमी कर दी थी तो तवा थोड़ा ठंडा हो गया जिससे कि हमारा बैटर अच्छे से फैल सके। इस तरह से बराबर फैला देंगे। और इसे धीमी आंच पर सेकने देंगे। ये हमारा पराठा थोड़ा सा ड्राई हो गया ऊपर से। अब हम इसको पलट लेते हैं इस तरह से। और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे जिससे कि ये अच्छे से सिक सके और हम थोड़ा थोड़ा साइडों से प्रेस कर देंगे। हल्के हल्के हाथों से ही प्रेस करेंगे। अब हम इसको पलट लेते हैं। इसी तरह प्रेस करते हुए अपने पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। अब हम इसमें ऑयल लगा देते हैं। और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। थोड़ा सा हम प्रेस कर देते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेते हैं। ये हमारा पराठा भी बनकर रेडी हो गया। इसको भी हम उतार लेते हैं। अब बाकी के भी पराठे इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमारे पराठे बनकर रेडी हो गए। ये देखो कितने सॉफ्ट है। सारे पराठे इतने सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये साथ आप अचार के साथ खा सकते हैं या चाहे बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं। ये बहुत देर तक सॉफ्ट रहते हैं। आप चाहे तो कहीं घूमने जा रहे हो तो इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं।